Hello everyone and welcome back to my channel. Today we are back again with another Christmas special recipe, that is eggless mawa cake. हम इस रेसिपी में इंस्टेंट मावा कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे और ये केक बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्पॉन्जी बनेगा। बस जो मेजरमेंट जो इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको दिए आप बस उसको फॉलो करिए और ये केक सबको बहुत पसंद आएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इंस्टेंट मावा बनाने के लिए सबसे पहले पैन में एक चम्मच बटर डालिए। जब ये मेल्ट हो जाए तो इसमें हम एक चौथाई कप दूध डालेंगे और इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बाद इसमें मैंने आधा कप मिल्क पाउडर डाला है और लम्प फ्री होने तक इसको विस्क करें और 5 मिनट बाद आप देखेंगे कि ये बहुत ही सॉलिड फॉर्म में आ चुका है और पैन से सेपरेट हो चुका है। तो हमारा इंस्टेंट मावा तैयार है। उसके बाद केक का बैटर बनाने के लिए हम आधा कप बटर लेंगे और 1 कप पाउडर शुगर लेंगे। फिर इन दोनों को अच्छे से विस्क कर लीजिए जब तक ये स्मूथ और फ्लफी ना हो जाए। दोनों इंग्रेडिएंट्स अच्छे से विस्क हो चुके हैं तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स के लिए मैंने 1-1.5 कप मैदा लिया है। फिर इसमें मैंने 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, इसमें मैंने 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर डाला है और इन सबको मैंने बहुत अच्छे से छान लिया है। छानने से कोई भी लम्स नहीं रह जाएंगे। अब बटर और चीनी के साथ सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को विस्क कर लीजिए और फिर इसमें 1/4 कप दही डाल दीजिए और उसको भी अच्छे से विस्क कर लीजिए। विस्कर की हेल्प से या फिर आप हाथ से भी कर सकते हैं। जब सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए तो बैचेस में दूध को डालते जाए और एक स्मूथ बैटर फॉर्म कर दें। इसमें करीबन 1/4 कप दूध का मैंने इस्तेमाल करा है। जब एक स्मूथ बैटर फॉर्म हो जाए तो इसमें जो हमने मावा तैयार करा था वो डाल देंगे। अब हाथों की हेल्प से या विस्कर की हेल्प से आप एक स्मूथ बैटर प्रिपेयर कर लें। अब मैंने अपने मोल्ड को पहले से ही ग्रीस कर लिया है और जो बैटर मैंने तैयार करा है वो मैं अपने मोल्ड में डाल दूंगा। बैटर को इवेंटली स्प्रेड करने के लिए मैंने 2-3 बार टैप करा। अब मैं 20 मिनट के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पे अपने ओवन में केक को बेक कर रही हूं। बीस से 25 मिनट हो जाने के बाद मैं केक को बाहर निकालूंगी और इसको ठंडा करने के बाद इसे डीमोल्ड कर दूंगी। आप अपने केक को चाहे तो कैसे भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो इधर मैंने अपने केक को ग्रीन कलर की चॉकलेट, मेल्टेड चॉकलेट से मैं उसकी डेकोरेशन कर रही हूँ और मैंने कुछ नट्स का भी इस्तेमाल करा। मैंने यहाँ नट्स में बादाम और पिस्ता का यूज करा है। अब मैं केक की अंदर की साइड को भी सेम कलर की चॉकलेट से डेकोरेट कर दूंगी और हमारा एगलेस मावा केक बनकर तैयार है। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्पॉन्जी केक बनेगा और सबको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और ये क्रिसमस आप इस एगलेस मावा केक के साथ बनाइए। बहुत पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।